नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। विवादों में घिरे वीडियो ऐप टिकटॉक पर बैन के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट 24 अप्रैल को अंतरिम रोक के आदेश पर विचार कर अपना फैसला दे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि 24 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट आखिरी फैसला नहीं लेगा तो ऐप पर लगा बैन हटा दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। टिकटॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी बाइटडांस ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने कंपनी के पक्ष की गैर मौजूदगी में ऐप बैन करने का एक तरफा फैसला सुनाया था। इसे आधार बनाकर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने 3 अप्रैल को आदेश पारित कर सरकार को देश में टिकटॉक के डाउनलोड पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट का तर्क था कि टिकटॉक ऐप से पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता है। भारत के गाँवों और छोटे शहरों में खूब पसंद किए जा रहे टिकटॉक के जरिए 15 सेकंड तक के वीडियो बनाकर शेयर किए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक ने हाई कोर्ट के आदेश को अपमानजनक, भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया। उसने कहा कि थर्ड पार्टी द्वारा अपलोड किए गए कंटेंट के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना गलत है। कंपनी ने जुलाई 2018 से अब तक 60 लाख से ज्यादा ऐसे वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से हटाए हैं जो कंपनी की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते। टिकटॉक ऐप को म्यूजिकली के नाम से लॉन्च किया गया था, बाद में इसका नाम बदलकर टिकटॉक कर दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के शुरुआती 3 महीनों में टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर 9 करोड़ नए भारतीय यूजर जुड़े। वहीं ऐप को दुनिया भर में करीब 100 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। टिकटॉक पर लगा हुआ बैन 24 अप्रैल को हटेगा या नहीं, ये तो कोर्ट के फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।